Watch this video till end. These tips will surely help to increase your business during COVID-19. पहले बात करेंगे उस टॉपिक के ऊपर जो आपके और मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा, वो है क्या होगा लॉकडाउन और एक्सपेंड। सो कोरोना को महामारी घोषित करने के बाद 21 डेज का लॉकडाउन रखा गया और उस लॉकडाउन के बाद हमने ये सोचा कि हमारे देश से कोरोना चला जाएगा। शायद चला जाता, बट लॉकडाउन पीरियड के अंदर ही दो इतने बड़े केसेस आ गए इंडिया में कि इंडिया को अब ये डर लग रहा है कहीं इंडिया में भी कोरोना पैर ना पसार ले। और ये इंडिया में भी अपने पैर पसार लेगा अगर लॉकडाउन एक्सपेंड नहीं हुआ तो, अगर हमने लॉकडाउन का सही से पालन नहीं किया तो। और हम ज़रूर करेंगे क्योंकि हमें अपनी जान प्यारी है अपने काम और अपनी इंजॉयमेंट से बढ़कर। और 7 जून तक इंडिया में 4,288 केसेस पाए गए, जिनमें से 117 की मौत हुई। और ये केसेस और बढ़ भी सकते हैं अगर लॉकडाउन एक्सपेंड नहीं किया जाता है तो। और 7 जून को ही गृह मंत्रालय से ये रिपोर्ट भी आई कि एक कोरोना इफेक्टेड बंदा 406 लोगों को और इफेक्ट कर सकता है। और अगर अभी लॉकडाउन चल रहा है तो वही एक बंदा सिर्फ 2 लोगों को ही इफेक्ट कर सकता है। पर दिल्ली में लॉकडाउन एक्सपेंड होने के चांसेस थोड़े इसलिए कम हुए हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने 7 अप्रैल को अपने एक 5T प्लान सामने रखा, जिसमें उन्होंने बात करी टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग की। तो दिल्ली में 10% चांसेस बनते हैं कि लॉकडाउन ना एक्सपेंड हो, बट जब तक गवर्नमेंट की फाइनल कॉल नहीं आ जाती, हमें अपनी फैमिली को और ख़ुद को घर पर रखना है, सेफ रखना है। स्टे होम, स्टे सेफ। एंड अब बात कर लेते हैं क्या आपके काम, आपके धंधे, आपके बिजनेस में आएगी और मंदी कोरोना वायरस के चक्कर में। बिल्कुल नहीं सर, मैं आपको 5 पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये फॉलो कर लेना, आपका धंधा ऑटोमेटिकली बढ़ता नज़र आएगा। आप अपने बिजनेस को एक दिन दो, उसको पूरा फिर से सोचो, पूरा एक उसका चार्ट बना दो, जो आपने गलतियां करी, जो आपने मिस्टेक्स करी, सब आपको पता चलेंगी कि आपके कौन कौन से गलत पार्टनर्स थे, किनके साथ आपने गलत किया, जिनसे आपको पैसे लेने हैं, पैसे देने हैं। जिस डायरी में आप सब कुछ लिखते हो ना, उसी डायरी में एक दिन पूरा लगा के चार्ट बना दो। दूसरे दिन से जितने कस्टमर्स का आपके पास नंबर है, 10, 20, 100, सबके पास मैसेज करो। ग्रुप मत बनाना, एक एक करके उनके पास मैसेज करो, चाहे वो मैसेज आप कॉपी कर दो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हो, कैसे नहीं। उनको कुछ काम मत देना, ना उनसे कुछ काम लेना, बस उनको नॉर्मल मैसेज करो रोज़। उससे क्या होगा कि आपके कस्टमर्स का आप पे ट्रस्ट बढ़ेगा और वो आपको ऑटोमेटिकली और ज़्यादा काम देना स्टार्ट कर देंगे। तीसरे दिन आप प्लान करो कि क्या आप अपने प्लांट, अपनी कंपनी में कोई ऐसा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं जिससे आपकी तुरंत सेल बढ़े और जो आपका गैप था वो रिकवर हो जाए। अगर आप नहीं कर सकते कोई प्रोडक्ट ऐड, तो कोई बात नहीं, आप ये सोचो कि जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो करेंटली, क्या आप उसकी नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। और जो लास्ट पॉइंट वो ये है कि आपको तो एडवांटेज मिल गई अपने कॉम्पिटिटर को हराने की, वो कैसे कि वो तो आराम से अभी टीवी देख रहा है अपने घर में बैठ के, आराम से आराम कर रहा है, पर आपने अपना बिज़नेस प्लान कर लिया, आपने ये सोच लिया कि मैं बिज़नेस खुलते ही क्या स्कीम्स दूंगा, और वो आराम से नॉर्मली अपना बिज़नेस खोलेगा, तो उसके कस्टमर्स तो आपके पास आ जाएंगे ना, जब आप ज़्यादा बेनिफिट दोगे कस्टमर्स को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे स्मॉल सेशन। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक्स।